क्या हुआ जब आसाम के एक छोटे से गांव में जमीन फाड़ कर निकली बजरंग बली की मूर्ति। आप देख रहे हैं ज्योतिष बेस्ट उपाय। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देखिए इस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। अभी हाल ही में प्रकृति के प्रकोप से आसाम में भूकंप ने दस्तक दी और जन जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। कई लोगों ने अपने घर दुकानें खो दी, कई लोगों ने तो अपने करीबी रिश्तेदारों को भी खो दिया। चारों ओर जिधर नजर पड़े उधर विनाश हो रहा था, दहशत का मंजर हर जगह छाया हुआ था। इसी बीच आसाम के एक व्यक्ति सुजल के साथ एक ऐसी अद्भुत घटना घटित हुई जिसे देख सभी हैरान रह गए। सुजल आसाम के एक गाँव में रहता है और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए एक छोटी सी दुकान चलाता है। बजरंग बली का अनन्य भक्त भी है। रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना, मंगलवार का व्रत करना सुजल का रोज का नियम था। वो अपनी जीवन में खुश था और कभी किसी रूप की परेशानी भी उसे नहीं होती थी, और अगर होती तो वह बजरंग बली से कहता और उसका विश्वास था कि वह उनकी इच्छा को जरूर पूरा करेंगे और उसके सारे संकटों को अवश्य ही दूर कर देंगे। भूकंप आने के कुछ दिन पहले जब एक रात सुजल सो रहा था तब उसे स्वप्न में बजरंग बली ने दर्शन दिए, परंतु वो कुछ बोले नहीं। सुजल की आंख खुल गई लेकिन उसे सपना समझकर वो वापस सो गया, परंतु अब ये प्रतिदिन का नियम बन चुका था। जब भी वो सोता तो बजरंग बली उसके सपने में आते और बिना कुछ बोले चले जाते। वो सोचने लगा, पता नहीं बजरंग बली मेरे सपने में आते हैं परंतु कुछ बोलते नहीं, ऐसा क्यों होने लगा है। एक रात जब वह कुछ गलत ना हो जाए इस डर से सोने गया, उसी रात बजरंग बली फिर से उसके सपने में आए और सुजल से बोले, मैं आने वाला हूँ, मुझे ढूंढ कर लेने आ जाओ। ये देख सुजल की आंखें नींद से जाग गई। वो सोचने लगा कि हनुमान जी की इस बात का मतलब क्या है। पूरी रात बैठकर वो सोचता ही रहा कि हनुमान जी उससे क्या कहना चाहते हैं। वो पूरे गांव में इधर उधर घूमने लगा, गांव के बाहर स्थित पहाड़ी पर जा पहुंचा। शाम का समय हो चुका था, तभी कुछ देर बाद बहुत तेज भूकंप आया और उसके समक्ष ही जमीन बीच में से फट गई। वो डरकर जमीन पर लेट गया। जब कुछ देर बाद सब कुछ सही हुआ, धरती का हिलना पूरी तरह से बंद हो गया, तो उसका ध्यान उस दरार के बीच में गया, दो भागों में बटी जमीन की ओर जब उसका ध्यान पड़ा तो वो हैरान था क्योंकि उस जमीन के अंदर से 3 फुट की हनुमान जी की मूर्ति वहां पर पड़ी हुई थी। और उसे वहां पर देखकर वो समझ गया कि बजरंग बली उसके सपने में आकर यही बात कह रहे थे। वो समझ गया कि हनुमान जी उससे प्रसन्न होकर उनके सपने में आए, उसे दर्शन दिए और अपनी मूर्ति उन्होंने साक्षात सुजल को दिखाई। सुजल ने सभी को ये बात बताई और साथ मिलकर गांव के मंदिर में उस मूर्ति की स्थापना की। इस किस्से को जानकर सभी गांव वाले आश्चर्य में रह गए कि किस प्रकार भगवान ने स्वयं अपने भक्त को आकर दर्शन दिए। आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए ज्योतिष बेस्ट उपाय।